सनातन धर्म को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोन मूडी का नया बयान सामने आया है और इस बयान से उत्तर भारत में इंडिया गठबंधन की मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री पोन मूडी ने इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी बताते हुए कहा कि सनातन के विरुद्ध लड़ने के लिए ही इंडिया गठबंधन को बनाया गया है और सभी पार्टियां सनातन के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। बीजेपी बार बार इस मुद्दे पर डीएमके पर हमला बोल रही है और इस बार बीजेपी ने सनातन विवाद में कांग्रेस और आरजेडी को भी घेर लिया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि सोनिया गांधी इस मुद्दे पर आखिर चुप क्यों है। मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी सवाल पूछा था लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी सनातन के बहाने राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सनातन पर चोट करने वालों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनावों में जनता गहलोत सरकार को सबक सिखाएगी। सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं है। हिडन एजेंडा है सनातन धर्म का विरोध करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना और इस पूरी प्रक्रिया में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए हैं। खरगे जी ने भी तो सनातन का विरोध किया था ना, जो उनके सम्मानीय अध्यक्ष हैं। क्या उन्होंने अपने पुत्र के बारे में कोई टिप्पणी किया? ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? इनकी हिम्मत है? सरकार हमारे धर्म पर चोट करती है, जो सरकार सनातन पर चोट करती है, जो सरकार हिंदू धर्म की आस्था और मान्यताओं पर चोट करती है, कभी राम को नकारती है, कभी धर्म को नकारती है और कभी ये कहती है ये सनातन जो है मोदी जीत गया तो ये ताकतवर हो जाएगा, इस सनातन को समाप्त करो। जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है, क्या हम उसको स्वीकार करेंगे? अगर हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते तो हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम राजस्थान में परिवर्तन लेकर के आएंगे। ये पहला मौका नहीं जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सनातन पर हमला बोला हो। इससे पहले बाड़मेर में गजेंद्र सिंह शेखावत ने 5 सितंबर को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जिस सनातन धर्म को पूर्वजों ने अपनी जान पर खेलकर बचाए रखा, अब कुछ लोग सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कहते हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शेखावत ने विरोधियों को चेतावनी भी दी और कहा कि और उन्होंने फिर विवादित बयान भी दे डाला। सुनवा लेते हैं आपको। आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे, उन्होंने अपने पुरुषार्थ पर अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें। हम बर्दाश्त नहीं करें, हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जवान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। तो ये तो गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी कांग्रेस पर एक बड़ा हमला उन्होंने आज बोला है। बड़ी खबर इस समय की बता दें, कांग्रेस राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती है। कांग्रेस और उसके गठबंधन दलों का कहना है कि वो सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, वे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का अपमान करते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान अब सामने आया है और कुल मिलाकर पूरी जो बीजेपी के तमाम नेताओं की मंत्रियों की जो ब्रिगेड है वो इस समय सनातन के मुद्दे पर खुलकर सामने आ गई है। सुन लेते हैं एक बार क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर। लेकिन कांग्रेस वाले तो राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं राम काल्पनिक है, भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल कहते हैं सनातन धर्म को जड़ से मिटाना है। वो हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, वो कभी राम नामी के जुलूस पर बम फेंकते हैं, कभी गोली चलाते हैं, कभी रामायण का अपमान करते हैं, कभी मां सीता का अपमान करते हैं। क्या आप सनातन धर्म का अपमान करने वालों को, हिंदुओं का अपमान करने वालों को, सनातन को खत्म करने वालों को ऐसे कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ जाओगे कभी? क्या जाओगे उनके साथ कभी? अरे मेरा सवाल इसलिए खड़ा होता है, ये आएंगे चुनाव में आपके पास,
कोई अपने आप को शिव भक्त बताएगा, कोई देवी भक्त बनाएगा, कोई हनुमान भक्त बताएगा, कोई कृष्ण भक्त बनाएगा, लेकिन सही मायने में सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है कांग्रेस, उसके सहयोगी दल। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट लिए हुए जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी, मेरा सवाल आपसे यही है कि पहले स्टालिन उदयनिधि स्टालिन के द्वारा एक बयान दिया जाता है, फिर खरगे के जो प्रियांक खरगे हैं वो बयान देते हैं, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष के नेता लगातार सनातन पर हमला बोल रहे हैं, और वो विपक्ष के जो नेता हैं वो ज्यादातर डीएमके से हैं, यानी तमिलनाडु के नेता हैं। क्या आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है, खासतौर पे मैं डीएमके की इस समय बात कर रही हूं, क्या किसी रणनीति के चलते हुए इस तरीके का लगातार सनातन पर बयान दे रहे हैं? क्योंकि एक गलती बार बार तो हो नहीं सकती, और ये तो जानते हैं कि बहुसंख्यक सनातन जो है, हिंदू धर्म जो है वो बहुसंख्यक है यहां पर, तो आने वाले चुनाव में उनको नुकसान हो सकता है। क्या आपको यह भी लग रहा है कि बीजेपी अब इस नैरेटिव को सेट करने में काफी हद तक कामयाब हो रही है विपक्ष की गलती के चलते हुए, सनातन का नैरेटिव? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बातें जो आपने कही वो लगभग सही है। देखिए, अगर डीएमके इस बात को लगातार उठा रही है, गलती से नहीं कर रही है, लगातार जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, इसका मतलब है कि उनको तमिलनाडु में अपना वोट बैंक सजता हुआ दिख रहा है। क्योंकि नेता जो भी बयान देता है, आप गौर कीजिएगा, उसके पीछे उसका मकसद रहता है। बहुत कम बार ही गलती होती है, और गलती से भी जो बयान दिए जाते हैं उसको सुधारा जाता है, लेकिन यहाँ सुधारने की कोशिश डीएमके की तरफ से नहीं की जा रही है। हालांकि कांग्रेस बेचारी फंसी हुई है कि कांग्रेस बड़ी अलायंस पार्टनर है और इंडिया गठबंधन आपने, और सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सपा हो, जितने अलायंस पार्टनर इनके, इन पर एक ठप्पा लगा रहा है मुस्लिम अपीजमेंट का और हिंदुओं के खिलाफ बोलने का, हिंदुओं को कहीं ना कहीं इग्नोर करने का। तो वैसी स्थिति से कांग्रेस बचना चाहती है। अब देखिए कि अभी प्रियांक खरगे ने भले ही शुरुआती दिनों में बयान दे दिया, लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली है, क्योंकि देश भर में इसका नुकसान हो सकता है। बीजेपी का यह फेवरेट पिच, आपने सही कहा कि बीजेपी इसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ेगी, वो घेरना चाह रही है। देखिए, बीजेपी ने लगातार हमला किया, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, तमाम, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कम बोला जा रहा है। हम सर्वधर्म संभाव वाली पार्टी है, हम इनके एजेंडे में नहीं फंसना चाहते हैं। तो उनको पता है कि अगर इस एजेंडे में गए तो फंसेंगे, क्योंकि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व। रवि, छोटा सा सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से इस राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके अनुभव की बात करना चाहूंगी। और सवाल मेरा यह है कि अगर डीएमके के द्वारा, नेताओं के द्वारा कोई बयान दिया जाता है, हालांकि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, आपको लगता है कि उत्तर भारत में वो जो बयान है वो तमाम बहुत कारगर साबित होंगे और नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया गठबंधन को? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसी वजह से कहीं ना कहीं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, इस पर बोलने से बच रहे हैं, और वो जो बोल भी रहे हैं वो एंटी नहीं, उस बात को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, उनके उसको बना भी नहीं कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि उसकी शिकायत भी नहीं कर रहे हैं, उनको रुकवा भी नहीं रहे, लेकिन उनको डर है। दो इंसिडेंट आपको बताना चाहूंगा, चूंकि अभी हाल में कांग्रेस पार्टी ने, आपने कर्नाटका चुनाव में देखा, बजरंग बली का मुद्दा उठा, बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा उठा, प्रधानमंत्री ने बजरंग बली से उस मुद्दे को जोड़ा, लेकिन उसका बहुत फायदा बीजेपी को नहीं हो पाया। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसको काउंटर किया, उसने बोला कि हम जितने बजरंग बली के मंदिर तोड़े हैं बीजेपी ने, हम उनको बनवाएंगे कर्नाटक में। एक कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है काउंटर एजेंडा तय करती है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है, और बच बच के, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से काम कर रही है। हालांकि बीजेपी उनको घेरने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आप देखिए, चलिए, तो अभी तो 2024 से पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीन चुनाव है, पता चलेगा कि किस तरीके से क्या सनातन का मुद्दा जो दक्षिण भारत में बयान दिए जा रहे हैं, उत्तर भारत में उनका असर दिख रहा है कि नहीं, वो तो अभी सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि, आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जीनी।